2007 में एक ऐसी मूवी बनाना जो कि सेंसर बोर्ड को भी बेवकूफ बना देती है। मैं बात कर रहा हूँ नो स्मोकिंग की, एक ऐसी मूवी जिसे अनुराग कश्यप ने उस टाइम के गवर्नमेंट एंड सेंसर बोर्ड की रियलिटी दिखाने के लिए बनाया था, लेकिन सेंसर बोर्ड को उनपे ही दिया हुआ ताना समझ नहीं आया। द थिंग इज की सेंसर बोर्ड को ये लगा कि एक अच्छे सोशल मैसेज के साथ बनी हुई मूवी है। ये एक एंटी स्मोकिंग मूवी है जो मैसेज देती है कि एवरीवन शुड क्विट स्मोकिंग। यहाँ जो आता है वो देखने नहीं, धूम्रपान छोड़कर ये दफना कर जाता है। बट इसका मैसेज कुछ और ही था। एंटी स्मोकिंग के पीछे छुपकर ये मूवी एक मेटाफर थी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, जहाँ जॉन अब्राहम के कैरेक्टर के को आप अनुराग कश्यप समझ सकते हो एंड बाबा बंगाली के कैरेक्टर को सेंसर बोर्ड या गवर्नमेंट। अब देखो, इस मूवी को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आखिर अनुराग कश्यप ने ये मूवी बनाई क्यों। आज ऐसी आपको उनकी स्टोरी पता चलेगी, इस मूवी को देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। तो देखो वो स्टोरी मैं बता देता हूँ। हुआ क्या था कि नो स्मोकिंग जो है वो उनकी थर्ड मूवी है जो कि रिलीज हुई। इससे पहले उन्होंने 2003 में 5 बनाई जिसे सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया था। इसके बाद 2004 में उन्होंने ब्लैक फ्राइडे बनाया था जिसका रिलीज गवर्नमेंट ने रोक दिया था। एंड इन्हीं दोनों मूवीज के रिलीज ना होने का फ्रस्ट्रेशन नो स्मोकिंग था। आई गेस उनको पता था कि अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी दिखाएंगे, डायरेक्ट अपना मैसेज देंगे, तो शायद उनकी थर्ड मूवी भी रिलीज ना होती। और उनको ये भी पता था कि उस टाइम पे इंडिया में मूवी रिलीज होने के लिए एक प्रॉपर सोशल मैसेज स्टोरी में होना पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। मतलब स्टोरी के साथ एक पॉजिटिव सोशल मैसेज ऐड कर दो और इसके बाद सेंसर बोर्ड उतना प्रॉपरली मूवी देखेंगे भी नहीं। और यही उन्होंने किया, भाई मूवी का नाम ही नो स्मोकिंग दे दिया। इफ समथिंग डजंट हैव अ सोशल मैसेज, दे थॉट इट शुड नॉट बी मेड। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिनेमा इज डिफाइंड एज हेल्दी एंटरटेनमेंट। My film was banned on the grounds it's neither healthy nor entertaining. अब देखो, इफ आपको उनकी बैक स्टोरी, उनका ये पर्सपेक्टिव पता नहीं होगा तो हाँ ये मूवी लगती है एंटी स्मोकिंग को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इफ इन डेप्थ में घुसोगे तो उन्होंने के कैरेक्टर को अपने से जोड़ा है, के स्मोकिंग को अपने राइटिंग से जोड़ा है एंड बाबा बंगाली के कैरेक्टर को गवर्नमेंट एंड सेंसर बोर्ड से। और ये दिखाना चाहा है कि कैसे बाबा बंगाली यानी कि सेंसर बोर्ड के को मतलब अनुराग कश्यप को स्मोकिंग करने से मतलब लिखने से रोक रहे हैं। तो इसी बेसिक प्लॉट को फॉलो करता है नो स्मोकिंग। बेसिकली स्मोकिंग से उन्होंने फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये सबको दिखाया है। इफ कोई चाहे तो स्मोक कर सकता है एंड ना चाहे तो नहीं कर सकता। बट कोई थर्ड पर्सन किसी तरह का धोखा देकर, किसी तरह से मैनिपुलेशन करके आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को चेंज नहीं कर सकता। यही हिडन मैसेज इस मूवी ने दिया था। बट ये जो मैसेज था इतना ऑब्वियस नहीं था, इतना सटल नहीं था। मतलब जो डायरेक्टर के बैक स्टोरी को नहीं जानते होगे, उसके फ्रस्ट्रेशन को नहीं समझते होगे, वो ये बात नोटिस भी नहीं करेंगे। आप मानोगे नहीं कि ये मूवी एंटी स्मोकिंग को लेकर इतना बिलीवेबल लगा था कि उस टाइम पे हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इस मूवी को प्रमोट किया। बट नो वन रियलाइज कि ये पूरी मूवी एक मेटाफर है जिसका हिडन मैसेज कुछ और ही है। लेकिन हाँ, मुझे ये भी फील होता है कि शायद यही रीजन है कि मूवी वॉज अ फेलियर बैक देन। अब 2007 वो टाइम था जब इंडिया में इंटरनेट बहुत लिमिटेड लोगों के पास ही था एंड किसी नए डायरेक्टर की जिसकी एक मूवी भी अभी तक पब्लिक में नहीं पहुंची है उसकी बैक स्टोरी जानना पॉसिबल ही नहीं है। भाई कोई नहीं जानता था कि अनुराग कश्यप की दो मूवी बैन हो गई है जिससे कि किसी ने डायरेक्टर की स्टोरी के साथ, उसके फ्रस्ट्रेशन के साथ नो स्मोकिंग को कनेक्ट करके देखा ही नहीं। एंड उस टाइम के ऑडियंस के लिए ऑब्वियसली एक एंटी स्मोकिंग मूवी बन के रह गई जो कि नेक्स्ट लेवल पे प्रीची भी हो जाती है। और यही नहीं, इसी के साथ में कई सीन्स ऐसे थे जो कि उस टाइम पे समझना मुश्किल था। भाई ओपन एंडिंग रखना, कैरेक्टर्स के वियर्ड से इमेजिनेशन को स्क्रीन पे दिखाना, ये सब उस टाइम पे हिंदी मूवीज में कॉमन नहीं था। 2007 में मूवीज बस एक एंटरटेनमेंट का सोर्स थे, ना कि वे ऑफ एक्सप्रेशन। यार लोग एंटरटेन होने जाते थे, कंफ्यूज होने नहीं। लोग ये नहीं चाहते थे कि भाई मूवी देखने के बाद उसे किसी को एक्सप्लेन करना पड़े। The two kind of films that existed, one was the mainstream commercial film that just made a lot of money, made you happy, and the other kind of artistic cinema, which was meant to go to the festivals and never released on screens and only came on television. बट अभी जब डायरेक्टर को सब पहचानते हैं, उनकी बैक स्टोरी जानते हैं एंड इस मूवी के हिडन मैसेज को समझते हैं, तभी जाकर ऑडियंस को ये मूवी अच्छे से समझ आ रही है। नो स्मोकिंग देखने के बाद लोगों को लग रहा है कि हाँ, दिस मूवी वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। शायद आज के टाइम पे मूवी रिलीज होती तो इसका ऑडियंस रिएक्शन बिल्कुल अलग होता। अब देखो, इस मूवी की स्टोरी में और भी कई डेप्थ हैं, कई हिडन मीनिंग्स हैं, जिसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रिपिंग ऑन सिनेमा का ये वीडियो देखना, जिससे आपको एक अलग पर्सपेक्टिव भी मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हाँ यार, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो नो स्मोकिंग के लिए। आपने ये मूवी देखी है तो अपना ऑनेस्ट रिएक्शन जरूर देना एंड नहीं देखे तो भाई इस वीडियो के बाद देख लो। इवन यूट्यूब पे भी पूरी मूवी अवेलेबल है। और हाँ, ऐसी और ऑसम कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।